ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास में हमने अर्थ मैग्नेटिज्म ये कंप्लीट करा था। उसमें एंड एंड में हमने पढ़ा था एंगल ऑफ डिप क्या होता है। एंगल ऑफ डिप से रिलेटेड एक चीज अपन आज और पढ़ेंगे। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? इट इज द मैग्नेटिक फेस एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जिस प्लेन में लाई करती है उसे हम बोलते थे मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन जिसे यहां मैं MM करके लिख रहा हूं। MM स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, ये एक वर्टिकल प्लेन बनाया है मैंने, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, और ये इसमें ऊपर की डायरेक्शन ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये साइड वाली डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हम समझते हैं सब लोग क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसा जो बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल जो डायरेक्शन होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो ग्राउंड से परपेंडिकुलर है जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी रहती है उसे बोलते हैं अपन वर्टिकल। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल में होती है, वो एक एंगल पे होती है। और हम इंडिया क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है तो इंडिया में ये भी हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखती है, हॉरिजॉन्टल से एक डाउन एंगल पे होती है। ये जो एंगल होता था इसे बोलते थे हम एंगल ऑफ डिप। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। द मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अब ये पता कैसे करें कितना है एंगल ऑफ डिप ये? तो हमें, हम ये निकालने के लिए यूज कर सकते हैं कंपस, मैग्नेटिक कंपस। जो मैग्नेटिक कंपस होता है उसकी नीडल की डायरेक्शन आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। उस मैग्नेटिक कंपस को अगर हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखें, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे अगर दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर इस मैग्नेटिक कंपास को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे तो इसकी नीडल हमें बता देती है कि नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में अर्थ के पोल आने वाला है। तो इसकी नीडल जो होगी वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्चुअली अलाइन हो जाती है, इसलिए वो हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की किस कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन में अलाइन होती है? वो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट में होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल अर्थ की फील्ड होगी। तो अर्थ की फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होता है उसकी डायरेक्शन में नीडल अलाइन हो जाती है अगर हम इसको इस तरह से रखें तो। ठीक है, अब नीडल का जो डायरेक्शन होगी वो हमें बता देगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। बस अब आपको क्या करना है, जो नीडल की डायरेक्शन आ गई है इस डायरेक्शन में एक वर्टिकल प्लेन बनाना है, एक वर्टिकल प्लेन बनाना है आपको, और इसमें कंपास को वर्टिकल रख देना है। एक कोई दूसरा कंपास लो जिसको आप ऐसे वर्टिकल रख सको, उस कंपास की जो नीडल होगी दूसरे वर्टिकल, तो दूसरा कंपास मैंने रखा जिसको वर्टिकल प्लेन में रखा, वो नीडल इस तरह से हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे होगी, वो नीडल हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे होगी। बस इस नीडल का जो भी एंगल आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल से यही हमें एंगल ऑफ डिप चलेगा। दिस इज हाउ एंगल ऑफ डिप कैन बी मेजर्ड। एंगल ऑफ डिप पता कर सकते हैं, एक कंपास को वर्टिकल प्लेन में रखो तो वर्टिकल प्लेन में उसकी नीडल हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे होगी, बिकॉज अर्थ की फील्ड हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे होती है, तो वो हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डिप एंगल जो होता है वो दे देगा। अब ये पता करने के लिए, डिप एंगल पता करने के लिए जो अपन ने कंपास लिया है ना जिसको वर्टिकल रखा है, इसको एक नया नाम दे दिया जाता है, इसे बोलते हैं डिप सर्कल। दिस इज कॉल्ड डिप सर्कल। हेल बस एक कंपस ही है, ऐसा कोई खास अलग चीज नहीं है। डिप सर्कल जस्ट एक सर्कल, एक कंपस है जिसको वर्टिकल प्लेन में हम घुमा सकते हैं, वर्टिकल प्लेन में इसकी जो नीडल है वो ऐसे रोटेट हो सकती है, तो इससे हम ना एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं। पर अब इसको एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए इसे रखना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन में, इसे रखना चाहिए वर्टिकल प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन में। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए गलती कर ली, आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा इसको, आपने किसी और गलत वर्टिकल प्लेन में रख लिया, तो आप गलत एंगल ऑफ डिप निकाल लोगे। आपको टिप एंगल मेजर करने के लिए ये जो डिप सर्कल होता है, एक कंपास होता है जिसको वर्टिकल प्लेन में रख सकते हैं अपन, इसे हमको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना चाहिए। वो कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन? पहले एक दूसरा कंपास हॉरिजॉन्टल रखो, उसके नीडल की जो डायरेक्शन आएगी वो वर्टिकल प्लेन ले लो, वो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब आपने मान लो गलती कर ली, आपने पहले जो कंपास लेना था वो लिया नहीं, आप मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं ढूंढे और बिना उसके आपने निडल को किसी भी रैंडम वर्टिकल प्लेन में रखा और आपने वहां एंगल ऑफ डिप निकाल लिया, तो एंगल ऑफ डिप गलत होगा, उसे कहा जाएगा एपरेंट एंगल ऑफ डिप। मान लीजिए ये था हमारा रियल मैग्नेटिक मेरिडियन,
ये एक वर्टिकल प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, और आप किसी गलत वर्टिकल प्लेन में खड़े हो गए। आप ऐसे वर्टिकल प्लेन में जाके निडिल को रख दिया आपने जो इससे कुछ एंगल पर है, ठीक है। तो इस वर्टिकल प्लेन जो इससे कुछ एंगल पे थी, यहां जो एंगल ऑफ डिप निकलेगा वो एपरेंट एंगल ऑफ डिप होगा, उसे कहते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डिप। ये बात समझ में आई? व्हाट इज एपरेंट एंगल ऑफ डिप? एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या, हाँ है ना, कि गलत अगर वर्टिकल प्लेन ले लिया जाए, वहां एंगल ऑफ डिप निकाल लो, तो वो एंगल ऑफ डिप कहलाता है एपरेंट। अब उसका रियल से एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है वो हम निकालेंगे। देखो, इस दूसरा वर्टिकल प्लेन जो मैंने नया बनाया है, उसमें अर्थ की फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, ये समझते हैं। अर्थ की फील्ड है ना एग्जैक्टली अपने मैग्नेटिक मेरिडियन में थी, तो पहले अर्थ की फील्ड उसके मैग्नेटिक मेरिडियन में थी, ये दिखा देते हैं। ये दिखाई मैंने, ये अर्थ की फील्ड के मैग्नेटिक मेरिडियन में, और वहां जो उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल था वो रियल एंगल ऑफ डिप था। ये अर्थ की फील्ड को बोल देते हैं बी थी। तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिख सकते हैं अपन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसका बी इंटू कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी इंटू साइन डेल्टा, जिसे हम बोल देते हैं बीवी, और हॉरिजॉन्टल वाले को बी एच, है ना। अब हम किसी गलत वर्टिकल प्लेन में आ गए, वो गलत वर्टिकल प्लेन भी दिखा देता हूं मैं, चलो ये एक वो गलत वर्टिकल प्लेन जो था वो भी दिखाया मैंने। वो इससे कितने एंगल पर है, मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो थीटा एंगल पर है। दिस इज एट थीटा एंगल विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इस प्लेन में आके देखेंगे तो अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल फील्ड था उसका एक कॉम्पोनेंट आ रहा होगा, अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड का इस दूसरे प्लेन में कॉम्पोनेंट होगा। कितना कॉम्पोनेंट होगा वो दिखा देते हैं। यहां से परपेंडिकुलर का ड्रॉप करा तो ये कॉम्पोनेंट आएगा, वो इसको बोल दिया बी एच डैश। ये कितना होगा बी एच डैश, ये लिख देते हैं, वो हो जाएगा बी एच उसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, उसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। सो जो नया वर्टिकल प्लेन दिख रहा है मुझे, ये जो दूसरा वर्टिकल प्लेन दिख रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाई थी अपन ने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस नए वर्टिकल प्लेन की थी, उसमें अर्थ की फील्ड का जो कॉम्पोनेंट है वो बी एच डैश है, और वर्टिकल तो वही है बीवी, वर्टिकल तो ये इसमें भी बीवी रहेगा। तो यहाँ जो भी नई फील्ड आएगी, वो अगर दिखाऊ मैं, यहाँ पे नई फील्ड मान लीजिए ऐसी कुछ आ रही है, उसको बोला बी डैश, उसका जो एंगल होगा विथ हॉरिजॉन्टल ये, इसे बोलेंगे अपरेंट एंगल ऑफ डिप डेल्टा डैश। वो डेल्टा डैश क्या लिख सकते हैं अपन, वो डेल्टा डैश क्या लिख सकते हैं देखते हैं। तो टैन डेल्टा डैश, टैन डेल्टा वो होना चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट जो बीवी ही है यहां पर भी, और हॉरिजॉन्टल इसमें बी एच डैश है। ये समझ में आ रहा है क्या? हमारे पास दो वर्टिकल प्लेन बनाए हुए मेरे डायग्राम में, एक वर्टिकल प्लेन जो पीछे वाला मैग्नेटिक मेरिडियन था, और दूसरा वर्टिकल प्लेन ये है कोई दूसरा वर्टिकल प्लेन जिसमें हमको अपरेंट ऑफ डिप, अपरेंट एंगल ऑफ डिप हमने निकाल लिया है। ये गलत वर्टिकल प्लेन है जिसमें गलती से आपने अपरेंट एंगल ऑफ डिप निकाल लिया है। तो इस गलत वर्टिकल प्लेन में जो अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, उसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा वाला। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर में बी एच डैश दिखाया था, वो बी एच कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इस नए वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल में तो वही फील्ड होगी, हॉरिजॉन्टल वाली फील्ड है ना बी एच डैश है, तो यहाँ अपरेंट एंगल ऑफ डिप के लिए ये लिखा जा सकता है। देखिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर से देख लेंगे। इस डायग्राम क्लियर? चलो बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, क्लियर है, वेरी गुड। सो टेन डेल्टा डैश ये लिखा जा सकता है। अच्छा, ये जो BV था वो तो ऐसे रहने देते, BH को लिख देते हैं BH into cos theta, BH dash को लिख देते हैं BH into cos theta, और ये BV upon BH वो पुराने real जो magnetic meridian था उसमें देखे तो tan delta दे देगा। tan delta ये तो था magnetic field का vertical upon magnetic field का horizontal component। तो ये आ गया relation apparent angle of dip और real angle of dip में। This is relation between apparent angle of dip and real angle of dip. मान लो आपको apparent angle of dip निकालना है, real angle of dip और theta पता है, तो ऐसे कर लेना। और दूसरा केस हो तो ये इससे यहाँ cos theta multiply करके वैसे भी कर सकते हो कि apparent angle of dip पता हो, angle पता हो, तो real angle of dip निकाल लेना। तो बहुत काम का formula, ठीक है, याद रहेगा ये।
कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा? यस, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, यस, वेरी गुड। चलिए, तो एक ये कॉन्सेप्ट अपना बचा हुआ था, ये अपन ने कंप्लीट करा। अब अपन आज दूसरी चीज स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स। हम स्टार्ट करते हैं आज मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें कुछ पूछना है तो देख लीजिए, मैं हटाने वाला हूं उसको। इसमें क्वेश्चन आता है एक अच्छा, वो अपन बाद में ही करेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा है ना, आज अभी तुमने सीखा ही है जस्ट, तो इसको अपन बाद में कभी करेंगे, ठीक है? आज इसको समझ लो बस, बाद में किसी क्लास में इस पे बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। चलो, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए, हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, हमारे आसपास जितने मटेरियल है, हर मटेरियल को उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, कितनी आ सकती है, मैग्नेटिक फील्ड के स्पेस में रख दिया जाए उसे तो उसका कैसा बिहेवियर होता है, इस हिसाब से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने जितने भी मटेरियल हमारे आसपास थे सबको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखने की कोशिश करी, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बना ली, या सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है आप जानते ही, उसके अंदर रखने की कोशिश करी और देखा क्या हो रहा है, सोलेनोइड के अंदर रखने से क्या होता है, क्या मटेरियल के अंदर रखने से फील्ड वहां बढ़ जाती है, कम हो जाती है, क्या होता है, ये सब चीजें हमने समझी। तो ऐसा जब हमने समझा तो ब्रॉडली हमें समझ में आया कि मटेरियल तीन तरह के दिख रहे थे हमको, मटेरियल की तीन कैटेगरीज थी। क्या कैटेगरीज थी वही समझना है हमको। तो अपना आप अगला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक। सर, लास्ट टॉपिक की हेडिंग क्या थी? एपरेंट एंगल ऑफ इट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर हमने अलग अलग तरह के मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड के स्पेस में रखा, हमें पता चला कि ये तीन तरह के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। चलो, तो आपको तो ये पढ़ा हुआ होगा केमिस्ट्री में, आपने तो कहीं ना कहीं सुना होगा इन तीनों वर्ड्स को, ठीक है? तो मुझे बताइए कि क्या मतलब इनका। सर, फेरोमैग्नेटिक नहीं पता सर। पैरा नहीं पता? आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं सुना होगा यार ये सब। सर, पैरो नहीं सुना सर, याद नहीं सर, डायमैग्नेटिक सुना। हाँ, डायमैग्नेटिक क्या होता है बताओ? डायमैग्नेटिक क्या होता है बताइए? नहीं आता। हम जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं मटेरियल को, तो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, या तो वो एक्सटर्नल से ज्यादा जाती है या एक्सटर्नल से कम आ जाती है, एक्सटर्नल से कई बार बहुत ज्यादा भी आती है। तो इस तरह से तीन क्लासिफिकेशन है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल से बढ़ जाती है, ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखे, मैं तीनों को एक्सटर्नल फील्ड में रख के दिखा रहा हूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से हमने ग्रीन लाइन से दिखाई है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। पैरामैग्नेटिक को रखा जाए यहां पर तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में। जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इसमें नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं। डायमैग्नेटिक में उल्टा होता है, एक्सटर्नल फील्ड से उल्टा मैग्नेटाइज होता है। फेरोमैग्नेटिक वो भी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत स्ट्रांग आता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। तो पैरामैग्नेटिक आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक आर वीकली डीमैग्नेटाइज्ड, वीकली अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट होता है इनमें भी, अपोजिट आता है बट एक्सटर्नल फील्ड के इन एक्सटर्नल फील्ड, और फेरोमैग्नेटिक में बहुत स्ट्रांगली आता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये इनमें फर्क है, ये इन तीन मटेरियल में फर्क होता है, ठीक है? पॉइंट समझ में आ रहा है, फर्क समझ में आ रहा है इनमें। चलो, अब ये जो इनमें डिफरेंस आ रहा है ना, हाँ, इसको क्वांटिफाई करना है, मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको किस नंबर से मेजर करें,
किस तरीके से इनको समझे अच्छे से, क्या एक मेथड फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिससे हम समझ सकते हैं कि मटेरियल पेरा फेरो डाया क्या है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी हम समझना चाह रहे थे। इसके लिए हमने कुछ नई क्वांटिटीज डिफाइन करी, अब हमने कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करी वो समझते अच्छे से, ठीक है। देखना जरा, आप सब जानते हैं कि सोलेनोइड में अगर हम करंट फ्लो कराएं तो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। सोलेनोइड में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है इस तरह से अंदर, वो होती थी म्यू जीरो एन आई। अगर अंदर फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस हो तो फील्ड को म्यू जीरो एन आई लिख सकते हैं, उसको मैंने बी नॉट बोल दिया। पर अंदर कुछ मटेरियल फिल कर दे विथ मटेरियल, वो फील्ड क्या आती है बताओ? म्यू एन आई होती। अंदर कुछ भी नहीं डाला है तो अपन यहां म्यू जीरो एन आई लिखते हैं। फ्री स्पेस की परमेबिलिटी बोला जाता है इसे, और इसे मटेरियल की परमेबिलिटी बोला जाता है। म्यू क्या होता है? परमीएबिलिटी ऑफ मटेरियल, और म्यू नॉट क्या था? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या चीजें क्लियर है? क्या लिखा है मैंने? क्या है, क्लियर है? यस, अच्छे बोल रहा है। यस, वेरी गुड। ओके, अब आप जरा ध्यान से अगर देखें तो ये म्यू नॉट और ये जो म्यू है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा जो टर्म है एन आई, ये मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये हम एक्सटर्नल कंट्रोल कर रहे हैं। अंदर मटेरियल के हिसाब से ये नंबर म्यू चेंज हो जाएगा और एनआई जो है वो चेंज नहीं होगा, पर मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड कर रही है और एनआई पर भी डिपेंड कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए ये एनआई वाला टर्म जरूरी भी था। मान लो सोलेनोइड में करंट ही नहीं है तो अंदर फील्ड ही नहीं आएगी, तो ये एनआई वाला टर्म बहुत जरूरी भी होता है और इसी से कंट्रोल होती है मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है विथ मटेरियल। तो जो एनआई वाला टर्म है इसको भी कुछ नाम दे देते हैं अपन। ये जो बी होता है इसको आप क्या बोलते हैं? इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोलते हैं, और ये टर्म ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी है इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस एनआई वाले टर्म को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते थे। इससे हम एक नया लेटर एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हम जो फॉर्मूले ऊपर लिखे थे उन्हें लिख सकते हैं कि फ्री स्पेस की फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट एच और मटेरियल की फील्ड हो जाएगी म्यू एच। तो ये एच क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? एच इज द क्वांटिटी विच इज क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, विच इज कॉजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद द मटेरियल प्रॉपर्टी। वो आपको फील्ड दे देगा। अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना है, और अगर कोई दूसरा मटेरियल है तो उसकी प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी एच से मल्टीप्लाई करो और नेट वहां फील्ड क्या आएगी वो पता चल जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आएगी वो पता चल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? व्हाट इज एच? यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए, ओके। तो हमने एच डिफाइन करा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो मटेरियल को रखने से मटेरियल के अंदर फील्ड अलग आती है, इसका क्या कारण है? मटेरियल का जो परमिटिविटी या जो परमेबिलिटी जो बोलते हैं परमेबिलिटी, वो अलग होता है देन फ्री स्पेस परमेबिलिटी। रीजन क्या है इसका? कभी कभी हमने देखा है जैसे सॉफ्ट आयरन रखो तो सॉफ्ट आयरन में फील्ड बहुत बढ़ जाती है। व्हाट इज द रीजन व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इन सोलेनोइड? इसका क्या रीजन है, ये समझने की कोशिश करी हमने। तो हमको पता चला कि यार हर मटेरियल को अगर अपन थोड़ा सा अंदर से जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो एटम मॉलिक्यूल इन सब से बना होता है, और हर एटम या मॉलिक्यूल्स इन सब में न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो हम मान सकते हैं जैसे कि करंट लूप है, करंट कैरिंग लूप क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हर एटम मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, हर एटम या मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, ऐसा सोच सकते हैं क्या?
हर एटम या मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है ना, हर एटम एक करंट कैरिंग लूप जैसा उसके अंदर होगा इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। सही बात है क्या? सही बात है ना। फिर पॉइंट आया, कुछ बच्चों ने बोला कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन हो सकता है ना सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे तो उल्टा घूमने वाला भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनेगा, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। हमने बोला बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो फिर मटेरियल हमको दो तरह के मिल सकते हैं, जिसमें एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट हो, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का कुछ करंट बच गया हो जिससे मैग्नेटिक मोमेंट हो, या एटम का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं हो। ऐसे दो तरह के एटम मिल सकते हैं। सही है क्या? समझ में आ रहा है आपको ये? सही है। दो तरह के हमारे पास मटेरियल एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनके एटम्स में ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट हो या एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं हो। ठीक है। अब एक्सटर्नल फील्ड में रखो तो क्या होगा? किसी भी डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखो तो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तो चलो उन मटेरियल को समझते हैं जिनके एटम के अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट था। तो ऐसे एटम्स अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, है ना, क्योंकि उन पे टॉर्क लगता है, तो वो सब एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे। और वो सब अगर एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में आ गए तो मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट दिखेगा मुझे। मटेरियल को हमने अंदर से देखा तो उसके अंदर एटम्स होते हैं और हर एटम में अपना मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, और ये एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो सकता है ऐसे रैंडम अरेंज हो सकते हैं। इनके रैंडम अरेंजमेंट की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो मिल सकता है, लेकिन जब इन्हें उठाकर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, जब इन मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट करते हैं, तो इन सब पर टॉर्क लगने की वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड की वजह से अलाइन हो जाएगा। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो अलाइन हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस अलाइनमेंट मटेरियल के अंदर हमको नेट मैग्नेटिक मोमेंट दिख सकता है या नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल सकता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी क्रिएटेड। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। भाई बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट जैसे अंदर आ गए तो उनसे मैग्नेटिक फील्ड नेट में बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस के कंपेयर में ज्यादा आती है। हम यूज जो होता है वो कई बार सॉफ्ट आयरन के केस में बहुत बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कारण कि सॉफ्ट आयरन जैसे मटेरियल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ जाती है? बोलो, इज इट क्लियर? यस, बच्चों की रिप्लाई आ रहा है। यस, वेरी गुड। कोई डाउट इसमें? कुछ भी पूछना है तो बताइए। चलिए, कोई भी डाउट नहीं है। सो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ने के रीजन अपन ने समझा। अब ये जो हुआ कि मटेरियल में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, इसको भी क्वांटिफाई करते चलिए। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ आ गया मटेरियल के अंदर, अब कितना आया? वो ज्यादा वॉल्यूम लेंगे तो ज्यादा आएगा, ज्यादा एटम्स होंगे। कम वॉल्यूम लेंगे तो कम आएगा, कम एटम्स होंगे। तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसे हम आई में आई लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एनसीईआरटी में देखना, इसके लिए कुछ और लेटर लिया उन्होंने कैपिटल एम लिया इसके लिए, तो मैंने आई से रिप्रेजेंट करा। ये होगा मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया मटेरियल में, यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, तो ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। कम आया यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट, तो कम हुआ मैग्नेटाइजेशन। तो थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है हमको वर्ड, ये लग रहा है आपको अप्रोप्रिएटली? हमने डिफाइन करा है व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट रिप्रेजेंट व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड इन द मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। समझ में आ रहा है ये क्वांटिटी आपको? यस,
असील, प्रवीण, आपको क्लियर है क्या? यस सर। ओके चलिए, सो अभी मैंने क्या बताया यहाँ पे, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये बता रहा है कि मटेरियल कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ है। मटेरियल ज्यादा अच्छे से मैग्नेटाइज होगा तो ये मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा पर यूनिट वॉल्यूम में। इस रेशियो को हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करा। अच्छा, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है तो इसलिए ये भी वेक्टर आएगा, ये वेक्टर होता है तो ये भी वेक्टर आएगा, है ना। इधर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी ना, ये भी वेक्टर ही थी। इसकी हम डायरेक्शन ले लेते हैं कि वो सोलेनोइड में फील्ड जो डायरेक्शन में आने वाली है, म्यू के तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो बी क्योंकि वेक्टर होता है तो एच को भी वेक्टर जैसा बनाते हैं अपन। एच भी वेक्टर है और एच की वही डायरेक्शन है जो बी की डायरेक्शन आती है। वापस आते हैं यहाँ पे। अब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्यों हुआ, मटेरियल मैग्नेटाइज क्यों हुआ, क्या कारण था उसका मैग्नेटाइज होने का? उसका कारण यही था ना जो ये फील्ड लगाई है आपने, सही बात है ना। मटेरियल मैग्नेटाइज क्यों हुआ है, क्योंकि फील्ड लगाई थी आपने, सही है क्या? मटेरियल के मैग्नेटाइज होने का मेन रीजन क्या था? क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एच पे डिपेंड करना चाहिए। सो आई इज डिपेंडेंट ऑन एच, एक्चुअली आई डिपेंड करता है एच पे। भाई जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो सकता है मटेरियल के अंदर। सो आई डिपेंड करता है एच पे। यहां इनका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो लगाया, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं काय से, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये एक लेटर से जिसको हम बोलते हैं काय। इसका नाम है यहां पर ससेप्टिबिलिटी, इसका नाम है यहां पर ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इज वेरी अप्रोप्रिएट नेम फॉर दिस क्वांटिटी। मटेरियल इज हाउ मच ससेप्टिबल फॉर मैग्नेटाइजेशन, ये बता रहा है कि मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन कितना आया पर यूनिट एच से। तो मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन होने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। हाउ मच मटेरियल इज ससेप्टिबल टू गेट मैग्नेटाइज, देख लीजिए अच्छे से। ससेप्टिबिलिटी, अब यूनिट्स वगैरह अगर चीजों की देखे, ये आई जो था मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम था। मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा होगा कि करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर होता है। इसकी यूनिट होती है एम्पेयर मीटर स्क्वायर, बाय वॉल्यूम करा तो एम्पेयर पर मीटर। इसकी यूनिट जो आएगी आई की वो आती है एम्पेयर पर मीटर, आई इज डिपेंडेंट ऑन एच और आई की यूनिट आती है एम्पेयर पर मीटर, यहां लिख देता हूं। फिर इधर एच भी देखे तो एक करंट और एक टर्न पर यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न की कोई यूनिट नहीं होती, पर यहां पर मीटर है, पर लेंथ और एक करंट, तो एच की यूनिट भी जो होती है ना वो एम्पेयर पर मीटर होती है। तो इन दोनों की यूनिट एम्पेयर पर मीटर है, दोनों की डायमेंशन सेम है, तो का यहां पर एक डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है। काय इज अ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, काय की कोई डायमेंशन नहीं है, काय इज अ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट। क्लियर हो रहा है क्या ये? काय इज अ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट। चलिए, अब मटेरियल के अंदर हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा आ जाती है। मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा आ जाती है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल फील्ड से जब फ्री स्पेस होता है उसके कंपेयर में ज्यादा आ जाती कई मटेरियल्स में। यहाँ पे अपन ने वही चीज समझी थी। तो ये बी जो होता है बी नॉट से ज्यादा होता है। इसका रीजन हमने क्या समझा, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, दैट्स व्हाई फील्ड ज्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा फील्ड हो रही है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल माइनस बी नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर इज फ्री स्पेस ओनली। फ्री स्पेस में फील्ड बी नॉट है, मटेरियल के अंदर फील्ड बी है। इनका जो डिफरेंस होगा, ये एक्स्ट्रा फील्ड जनरेट हुई है मटेरियल के अंदर, ये डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है?
ये डिपेंड कर रहा है आई पे, ये डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे। तो ये हमने जब पता करा तो वो आया मी नॉट टाइम आई, दिस वॉज कमिंग आउट टू बी मी नॉट टाइम आई। मी नॉट यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाता है वही फ्री स्पेस की परमेबिलिटी वाला और इंटू आई। अगर हम आई की वैल्यू लिख दे काई टाइम एच तो जाएगा मी नॉट काई टाइम एच। नाउ बाय टेकिंग दिस बी नॉट इन दैट साइड आई विल गेट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी नॉट वेक्टर प्लस मी नॉट काई टाइम एच, बट दिस बी नॉट इज ऑल्सो मी नॉट टाइम एच। सो बी इज मी नॉट 1 प्लस काई टाइम एच। तो असल में देखो ये बी इक्वल टू म्यू टाइम एच था, बी इक्वल टू ये एक्सप्रेशन इनटू एच आया, तो हमें समझ में आ रहा है कि म्यू इज नन देन नन अदर देन म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस काई। या जो आप रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते थे ना म्यू बाय म्यू नॉट, वो आता है 1 प्लस काई। ये इन सारी क्वांटिटी का रिलेशन आ गया। म्यू और म्यू नॉट ये तो सुना हुआ होगा आपने, म्यू मटेरियल की परमेबिलिटी है, म्यू नॉट फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है। इनका जो रेशियो होता है इसे बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा 1 प्लस काई। रिलेटिव परमेबिलिटी इज नथिंग बट 1 प्लस काई। आर यू पॉइंट 7 में सब रिलेशन समझ में आ रहा है? लास्ट वाला ये इज दिस क्लियर? चलो बच्चे बोल रहे हैं यस। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज वगैरह डिफाइन करी है, क्या क्या क्वांटिटी डिफाइन करी है, ये थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ देता है ये सब याद रखना, पर करना पड़ेगा आपको। हमने यहाँ पे डिफाइन करा है व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, लास्ट में हमने रिलेशन निकाला था ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में। तो ये कुछ क्वांटिटीज है जिनकी हमको जरूरत पड़ती है। और यहाँ जो ससेप्टिबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये है असल वो टर्म, ये है वो इंपॉर्टेंट टर्म जिससे मटेरियल क्लासिफाई हो जाते हैं। मटेरियल हमने ऊपर पढ़ा था कि तीन तरह के होते हैं, पैरा डाया फेरो। पैरा मैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी स्मॉल बट पॉजिटिव आती है, वो कम मैग्नेटाइज होते पर मैग्नेटाइज होते। डाया मैग्नेटिक वो उल्टा मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आती है, वो भी स्मॉल ही आती है, वो भी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं पर अपोजिट होते हैं, इसलिए उनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आती है। और फेरो को देखे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हाई मैग्नेटाइजेशन होता है उनके अंदर, ये मैग्नेटाइजेशन जो आता है ना वो हाई होता है उनका, तो उनका ससेप्टिबिलिटी लार्ज होता है, पॉजिटिव एंड लार्ज, ये इनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर हम क्लासिफाई करें ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, तो जो पैरा मैग्नेटिक होता है उनका ससेप्टिबिलिटी काय स्मॉल एंड पॉजिटिव, डाया की ये काय जो होती है नेगेटिव होती है, और फेरो की काय इज लार्ज पॉजिटिव, ये इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। दिस ससेप्टिबिलिटी इज एप्ट वर्ड एप्ट क्वांटिटी टू क्वांटिफाई दिस मटेरियल्स। आ रहा पॉइंट समझ में सब? देख लीजिए अच्छे से। ओके बच्चों चलिए अभी हमने कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करी जिनके बेसिस पे पैरा डाया फेरो इन सबको क्लासिफाई कर लिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, पैरा की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनमें पैरा मैग्नेटिज्म होता क्यों है, डाया मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, फेरो की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब चीजों को पूरा थ्योरी है बच्चों ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है तो यहां तक देख लीजिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो बता दीजिए। अब इसके आगे की थ्योरी स्टार्ट करते हैं, फिर अपन एक बार बोर्ड पे देख के अच्छे से देख लीजिए। आई होप कि सबको क्लियर है ये। ओके सो फिर अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे की चीजें पूरी थ्योरी है देखो, तो उसको हम एनसीईआरटी से ही कंटिन्यू करेंगे, है ना।
जस्ट अ सेकंड, सर अभी हुआ नहीं सर, रुकिएगा सर। हाँ नोट कर लीजिए आप, बोर्ड इज विजिबल टू यू? आप सबने पढ़ लिया होगा एनसीईआरटी, मुझे लगता है ऐसा है ना, आपको बोला था ये एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको चैप्टर, और इसको 2, 3, 4, 5 बहुत बार पढ़ना बच्चों, ठीक है, जितने बार पढ़ सको, इसमें बहुत सारी थ्योरी है चैप्टर में, सो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत आपको अच्छा रहेगा। चलिए अब हमें आगे स्टार्ट करना था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, विच इज थ्योरी चलिए स्टार्ट करें। त्रिलोक प्रवीण जिसने रोका था अभी, यस ओके चलिए, सो 5.6 वाला पॉइंट पढ़ रहे अपन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। The discussion in the previous section help us to classify the material as dia, para, ferro. जो अपन ने करा है अभी, है ना, अपन ने काय के बेसिस पे वो लिखा है, वो सब चीजें यहाँ पे। There is a table which gives some material and their classification. वो टेबल देख लेते हैं अपन कि मटेरियल को कैसे classify, कौन कौन सा मटेरियल क्या है। ये ऊपर एक टेबल है देखो जो बता रही है dia और para क्या है। ये एक बार टेबल आप अच्छे से देखना बच्चों, ठीक है, कौन से मटेरियल डायमैग्नेटिज्म होते हैं, डायमैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन से पेरा, और डाया का सबका काय देखोगे तो सबका देखो नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, और पेरा का सबका पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव वैल्यू देखो वो छोटी है, देखो सब 10^-5, -4 ऐसी वैल्यूज है, तो वो छोटी है, ठीक है। तो पेरा मैग्नेटिक सब्सटेंस का काय जो होता है वो स्मॉल एंड पॉजिटिव है, और डाया का काय जो होता है वो नेगेटिव है और पॉजिटिव, नेगेटिव है और स्मॉल है। और कौन कौन से मटेरियल डायमैग्नेटिक है, तो उसमें कॉपर एक अच्छा एग्जांपल है, कॉपर इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये है ना मैग्नेट से चिपकता नहीं है, जो रियल कॉपर होगा ना वो मैग्नेट से चिपकेगा नहीं, बिस्मथ, डायमंड, गोल्ड, लेड, ये सब मैग्नेट से चिपकते नहीं है सब। नाइट्रोजन, ये तो याद ही होगा आपको एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है उसका एक बहुत बड़ा कॉज था ये ऑक्सीजन का, पेरा और नाइट्रोजन का डाया होना। अब पैरा कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वीकली चिपकता है मैग्नेट से, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना किसकी क्या है। चलिए आगे बढ़ते, अब यहां पर स्टार्ट हो रहा है डायमैग्नेटिज्म थोड़ा डिटेल, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं अपन यहां पर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस विच हैव टेंडेंसी to move from stronger to weaker part of external magnetic field. ये उल्टा magnetized होते ना, तो ये weak field से, sorry, strong से weak field की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं तुमको draw करके बताऊं, मान लीजिए यहाँ side में देखना, मान लीजिए आपके पास varying magnetic field है, एक magnetic field का region है जो ऐसा कुछ है, suppose देखिए ये magnetic field आप देखेंगे तो मैंने इधर दूर दूर बनाई है field lines और यहाँ पास पास बनाई थी, तो एक रीजन में इनको मैंने पास पास बनाया है और एक रीजन में दूर बनाया है, जहां पास पास है वहां फील्ड स्ट्रांग है, जहां दूर बनाया वो वीक है। अब मान लो इसके बीच में आपने कोई है ना एक मटेरियल रख दिया, ये रेड कलर में मटेरियल रखा, ये क्या था, ये डायमैग्नेटिक था, तो डायमैग्नेटिक होगा तो उसमें ना एक्सटर्नल फील्ड के उल्टा मैग्नेटिक मोड आता है, उसके अंदर मैग्नेटिक मोड ऐसा आएगा, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ उल्टा मतलब यहाँ नॉर्थ आएगा और वहां साउथ आएगा। अब साउथ पोल क्योंकि वीक फील्ड के रीजन में रखा है तो वहां जो मैग्नेट की वजह से वहां जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा वो वीक लगेगा, और वो किस तरफ होगा, वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा,
और नॉर्थ पोल क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा है तो वहां मैग्नेट की वजह से एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा, एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग लगेगा। नॉर्थ पोल एक पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है तो उस पर एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज जैसा होता है तो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। पर जो साउथ पोल पे फोर्स लग रहा है और जो नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा है वो सेम नहीं होंगे, क्योंकि फील्ड वेरिएबल है, फील्ड नॉर्थ पोल की जगह पे ज्यादा है तो नेट फोर्स में नॉर्थ पोल वाला ज्यादा फोर्स होगा, ये दिस विल बी मोर। तो मोर होने की वजह से नेट इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो इधर नेट फोर्स आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन देखो तो ये उस तरफ आ रही है जिधर वीकर फील्ड थी, दिख रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां इधर के हिस्से में वीक थी इधर, तो ये फील्ड की जो डायरेक्शन थी उस हिसाब से फोर्स नहीं आ रहा, ये आ रहा है वीकर से स्ट्रॉन्गर से वीकर फील्ड की तरफ, यही पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या लाइन समझ में आई? यस सर। ओके बच्चों, वेरी गुड। चलिए, इन अदर वर्ड्स अनलाइक द वे मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल इट वुड रिपेल अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल होते हैं मैग्नेट से, ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये ना इनके अंदर फील्ड लाइन जाती भी कम है, देखो ये यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर से निकल के जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर से जा रही है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी तो फील्ड लाइन अंदर कम जाती है। फिगर शोज अ बार ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड लाइन आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड बाय द मटेरियल मटेरियल इनसाइड फील्ड इनसाइड मटेरियल इज रिड्यूस्ड इन मोस्ट केसेस एज एविडेंट फ्रॉम द टेबल दिस रिडक्शन इज स्लाइट। जो काया था वो स्मॉल आ रहा था ना, जो काया था वो स्मॉल था तो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होता, तो बहुत स्मॉल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आता है। आगे दिस इज अबाउट 1 in 10^5 व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड। ये ऊपर समझा अपन ने। द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज एज फॉलोस। अब बहुत काम की चीज स्टार्ट हो रही है बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस पजेसेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाद घूम रहा है उसमें अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, है ना, वो रोटेट हो रहा है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं, और एल है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी आता है। दिस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप एंड दस पजेस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, या उनमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है। द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस इन विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इज जीरो। भाई एटम में इलेक्ट्रॉन्स पेयर भी होते तो क्या हो गया कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ जीरो है, यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। जितने इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहे थे उसके जैसे उल्टे घूमने वाले भी है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अब एक्सटर्नल फील्ड लगा दी है ना, अभी तक लगाई नहीं थी अब लगा दी, तो लेंज लॉ यहाँ भी फॉलो होता है। दोज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन आर स्लो डाउन एंड दोज इन अपोजिट डायरेक्शन आर स्पीड अप। अब एक्सटर्नल फील्ड लगाने से क्या होता है कि लेंज लॉ से एक्सटर्नल फील्ड अगर अचानक से लगा दो तो उसका अपोजिशन होता है, हर मटेरियल उसका अपोजिशन करता है, और अपोजिशन होगा तो एक्सटर्नल फील्ड के उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करी जाती है। तो यहां भी ऐसे ही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल के सेम डायरेक्शन में था वो स्लो हो गए, और जो उल्टा घूम रहे थे उनका स्पीड बढ़ गई जिससे नेट में उल्टी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। समझ में आई क्या बात ये? पर नहीं आई सर, एक बार समझ आई सर। चलो नहीं आई सर। अच्छा ये बताओ, अगर हम एक्सटर्नल एक किसी मटेरियल को अचानक से मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसमें इंड्यूस करंट आता है? यस सर। है ना, अपन ने ईएमआई चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इंड्यूस करंट आने का रीजन क्या था कि मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो अचानक से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, अचानक से वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है, उसका वो अपोजिशन करता है। यस सर। है ना, तो ये अपोजिशन कैसे करेगा, उल्टी मैग्नेटिक फील्ड बना के। यस सर। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपने क्या करा, कोई एटम है आपके पास, ये कोई एटम था, इसको उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, तो एटम के अंदर
एक्सटर्नल फील्ड से उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है, समझे? यस सर, ठीक है, ये चीज लिखिए यहां पर। चलो, दिस हैपेंस ड्यू टू द इंड्यूस करंट इन अकॉर्डिंग विद द लेंज लॉ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, जो अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेंज लॉ मतलब वही इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वगैरह बताता है लेंज लॉ। Thus, substance develops a net magnetic moment in direction opposite to that of the applied field. जो फील्ड की डायरेक्शन आपने लगाई है उससे अपोजिट मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है। चलो, Thus, the substance develops net magnetic moment in direction opposite to that of the applied field. Hence, वो रिपल होता है। तो डायमैग्नेटिज्म का कॉज समझ में आ रहा है? लेंज लॉ एक तरह से कॉज है इसका, वो जो इंड्यूस करंट आता है ईएमआई चैप्टर जो पढ़ा है अपन ने वो इसका कारण है। आ रही के बाद समझ में? सभी बच्चे, प्रियांशु आपको समझ में आया? आया सर। ओके प्रियांशु, वेरी गुड। Some diamagnetic substances are bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen, water, sodium chloride. Diamagnetism is present in all substances. ये लाइन बहुत काम की बच्चों। अभी जो अपन ने बात करी कि एक्सटर्नल फील्ड अचानक से लगा दो तो लेंज लॉ से उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ये तो सभी में आएगा, हर मटेरियल में ऐसा होगा, तो ये हर मटेरियल में होता है। Diamagnetism is present in all substances. However, the effect is so weak in most cases that get shifted by other effects like paramagnetism or ferromagnetism. So diamagnetism की property सब में होती है, लेकिन दूसरी property जो material की है वो इतनी strong रहती है कि उसकी वजह से diamagnetism दिखता नहीं हमको, ये कहने की कोशिश करी उन्होंने। जैसे paramagnetic material के अंदर भी diamagnetism की property तो है ही, लेकिन उनमें paramagnetic की property ज़्यादा strong है, जिससे net में वो external field की direction में ही magnetize होते हैं। ये बात आई समझ में? यस, बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड। फिर अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाई है उन्होंने, अब ये चीज मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप पढ़ना खुद से, ये बहुत काम की चीजें बच्चों, आप पे छोड़ी मैंने। आगे बढ़ते, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। भाई जो डाया था वो स्ट्रॉन्ग से वीक जाता है, तो पैरा जो होता है वो वीक से स्ट्रॉन्ग जाता है, ठीक है, इसमें उल्टा चीज हो जाती है, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करता है। दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं पर वीकली। चलिए आगे, अब कॉज क्या है पैरामैग्नेटिज्म का, इस पे बात करने वाले अपन। द इंडिविजुअल एटम्स या मटेरियल के अंदर आयन या मॉलिक्यूल जो भी होगा ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पजेसेस अ परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन। तो पिछली बार अपन ने जब डायमैग्नेटिज्म की बात करी थी वहां पर क्या बोला था कि अकेले अकेले एटम का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, वहां पे पेयरिंग होने से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। अब यहां क्या है कि ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। फिर से पढ़ देते लाइन को, द इंडिविजुअल एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पजेसेस परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन घूमते ऑन अकाउंट ऑफ सीजलेस रेंडम थर्मल मोशन ऑफ एटम, नो नेट मैग्नेटाइजेशन इज सीन। पर एटम रेंडम मोशन भी करते रहते हैं रेंडम, तो रेंडमनेस की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमको कई बार दिखता नहीं है, नो नेट मैग्नेटाइजेशन इज सीन, जैसा मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया था ना पहला, उसके जैसा। आगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ एट लो टेम्परेचर, द इंडिविजुअल एटॉमिक डायपोल मोमेंट कैन बी मेड टू अलाइन एंड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी नॉट। तो जैसा मैंने बोर्ड पे बनाया था वैसे ही समझा रहे ये लोग भी।
फिर कोई फिगर बनाया है जिसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सलेंस फील्ड में रखा, तो वहां फील्ड बढ़ जाएगी, फील्ड लाइंस गेट कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड मटेरियल, क्योंकि अंदर फील्ड बढ़ जाती है इसलिए, एंड द फील्ड इनसाइड गेट एनहांस इन मोस्ट केसेस एज इज एविडेंट फ्रॉम टेबल 5.2 दिस एनहांसमेंट इज स्लाइट। तो अपन ने पढ़ा ना पैरामैग्नेटिज्म का जो कॉन्स्टेंट था वो छोटा ही था, 10^-5, 6 के ऑर्डर में था, बिंग 1 in 10^5 भाई, 10^-5 था मतलब 1 in 10^5 था। When placed in non-uniform magnetic field, the bar will tend to move from weak to strong field. क्या क्लियर है? अब एक खास काम की चीज आने वाली है, देखो बच्चों, क्यूरीज लॉ। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, ये रहा रिलेशन, बहुत काम का रिलेशन है, इसे बोलते हैं क्यूरीज लॉ। डायमैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पर, तो पैरा की डिपेंड करती है। पैरा की ससेप्टिबिलिटी देखो टेम्परेचर से इन्वर्सली रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम्स का रेंडमनेस बढ़ेगी, मोशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो वह ना एक्सटर्नल फील्ड के अलाइनमेंट में कम आएंगे, तो ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत काम की क्वेश्चन है। दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ, आफ्टर इट डिस्कवर पेरी क्यूरी, वो मैडम क्यूरी नहीं है यहाँ, ये उनके दामाद थे पेरी क्यूरी। द कॉन्स्टेंट सी इज कॉल्ड क्यूरीज कॉन्स्टेंट, दस फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटीरियल बोथ काय एंड म्यू आर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मटीरियल बट ऑल्सो इन टेम्परेचर, एज द फील्ड इज इंक्रीज द टेम्परेचर इज लोअर्ड द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस अंटिल इट रीचेज द सैचुरेशन वैल्यू एट विच पॉइंट ऑल द डायपोल्स आर परफेक्टली अलाइंड इन द फील्ड बियॉन्ड दिस लॉ क्यूरीज लॉ इज नो लॉन्गर वैलिड। तो क्या कह रहे हैं वो लोग कि भैया आपने क्या करा, अगर मान लो मैग्नेटाइजेशन बढ़ाने की कोशिश करी, एज द फील्ड इज इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई और टेम्परेचर कम करा, टेम्परेचर कम करा तो काय बढ़ेगा, और मैग्नेटाइजेशन के लिए एक्सटर्नल फील्ड भी बढ़ा दी जिससे मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, तो एक लिमिट के बाद जाकर सारे मॉलिक्यूल सारे एटम अलाइन हो गए, उसके बाद और कैसे अलाइनमेंट हो सकता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, जो मैंने बोर्ड पर डायग्राम बनाया था वो एक्सट्रीम केस हो गया, उसके बाद क्यूरीज लॉ वैलिड नहीं होगा भैया, समझे? चलो ये जो लॉस थे यहां पर अपने जो देखे ये बहुत काम के हैं, इसको फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक तो ये अपने बहुत काम का लॉ है और ये बहुत काम के लॉ है। पहला क्या बता रहा है, मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंडेंट है एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट पे और टेम्परेचर पे। असल में ये क्यों रिलेट हो गया ऐसा, क्योंकि काय डिपेंडेंट है टी पे, तो ये बहुत काम की चीज है, याद रखना आपको। अब फेरोमैग्नेटिज्म की बात आ गई, स्टार्ट करें? यस सर। ओके, थोड़ा आप पढ़ोगे खुद से? चलो आप में से पढ़िए कोई। शायद शोर वोर होगा आपके पास, तो ठीक है मैं ही पढ़ देता हूँ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस विच गेट स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनमें मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, देयर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड दे गेट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। तो पैरा वाली प्रॉपर्टी बस स्ट्रॉन्ग है देखो सारी। द इंडिविजुअल एटम्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पजेस अ डायपोल मोमेंट एज इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जैसा पैरा में होता है वैसे यहां पर भी हर एटम का अपना डायपोल मोमेंट है, पर दे इंटरैक्ट विद वन अनदर इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप अलाइन देमसेल्व्स इन कॉमन डायरेक्शन ओवर अ मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम कॉल्ड डोमेन। मैक्रोस्कोपिक मतलब थोड़े से बड़े लेवल का वॉल्यूम होता है, तो थोड़े एक मतलब कुछ फ्यू एमएम क्यूब का वॉल्यूम होता है जिसके अंदर इनके क्लस्टर जैसा बन जाते हैं एटम्स के, उन सारे एटम में कॉमन डायरेक्शन होती है मैग्नेटाइजेशन की, और इस तरह के क्लस्टर को कहा जाता है डोमेन। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोऑपरेटिव इफेक्ट रिक्वायर्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताने वाले ये लोग अपन को, है ना? आपको बस ये रटना है कि ऐसा हो जाता है कि मटेरियल के एटम्स का क्लस्टर बन जाते हैं और उसको डोमेन बोलते हैं। ईच डोमेन हैज नेट मैग्नेटाइजेशन, the typical domain size is 1 mm and the domain contains about 10^11 atoms.
इन द फर्स्ट इंस्टेंस, अब उन्होंने साइड में कोई डायग्राम बनाया, देखिए इस साइड में कोई डायग्राम बनाया, ये ऊपर का जो डायग्राम है इसमें ये जो हमको व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है ना, ये एक्चुअली बाउंड्रीज है, ये डोमेन्स की बाउंड्रीज है ये, और ये एरो बता रहा है कि इन डोमेन के अंदर मैग्नेटाइजेशन किस तरफ है। तो ये मैग्नेटाइजेशन देखो थोड़ा रेंडम है, तो मटेरियल के अंदर छोटे छोटे से ऐसे क्लस्टर बने हुए एटम्स के, अबाउट 10^11 एटम का एक क्लस्टर जैसा बना हुआ है, और जो क्लस्टर से इनको बोलते हैं डोमेन। अब एक्सटर्नल फील्ड लगा दो, अगर सेकेंड केस में उन्होंने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है, यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल फील्ड लगाइए, तो एक्सटर्नल फील्ड जब लगा देते हैं ना, तो ये डोमेन्स जो होते हैं वो मिलकर बड़ा डोमेन बना लेते हैं, जैसे एक बड़ा बिग डोमेन दिख रहा है यहाँ पे, सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में क्लास अरेंज हो गए, तो एक बहुत बड़ा डोमेन बन गया। चलिए आगे आते, द टिपिकल डोमेन साइज इज 1 mm एंड द डोमेन कंटेंट्स अबाउट 10^11 एटम। इन द फर्स्ट इंस्टेंट, जो पहला डायग्राम देखा था, द मैग्नेटाइजेशन वेरीज रैंडमली फ्रॉम डोमेन टू डोमेन एंड देयर इज नो बल्क मैग्नेटाइजेशन। पहले डायग्राम में हमने देखा था वहां है ना, एक्चुअली छोटे छोटे डोमेन्स में सब में अलग अलग डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन था, इसलिए नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं था। This is shown in figure 5.13 है, तो 5.13 ऊपर देख चुके थे अपन, और एक्सटर्नल फील्ड लगा दी तो डोमेन ओरिएंट कर लेते एक ही डायरेक्शन में। द डोमेन ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ग्रो इन साइज, दिस एग्जिस्टेंस ऑफ डोमेन्स एंड देयर मोशन इन बी नॉट आर नॉट स्पेक्युलेशन। अच्छा, जो भी बात कर रही है कोई स्पेक्युलेशन नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं चल रही है ना। वन में एक्चुअली ऑब्जर्व दिस अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर स्प्रिंकलिंग ऑफ लिक्विड सस्पेंशन ऑफ पाउडर मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो भी यहाँ बात चल रही थी ना, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ थ्योरी चल रही है, असली में ऐसा दिख रहा है वहां पे, इसलिए बात चल रही है। ठीक है, यस, चलिए आगे पढ़ते। द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑफ सैंपल, दिस मोशन ऑफ सस्पेंशन कैन बी ऑब्जर्व। फिगर शोज सिचुएशन व्हेन द डोमेन्स हैव कंप्लीटली अमलगमेटेड, अलाइन एंड अमलगमेटेड, तो फॉर्म अ सिंगल जॉइंट डोमेन, सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। दस इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द फील्ड लाइंस आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द सैंपल टेंड टू मूव टूवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई फील्ड। तो जैसा पैरा की प्रॉपर्टी, वही सारी प्रॉपर्टी कॉमन आ रही है। वी मे वंडर एज व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, मतलब मैग्नेटाइजेशन बच जाता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल हटा दो तब भी मटेरियल मैग्नेटाइज दिखता है, है ना। आप अगर कोई एक लोहे की कील लो, उसको एक मैग्नेट से चिपका के रखो कई दिन तक, तो लोहे की कील में थोड़ा थोड़ा सा मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी आ जाती है। ये तो देखा होगा यार आपने भी, ये तो देखा होगा है क्या ऐसा? सर देखा है सर मैंने, है ना। हाँ, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो लोहे वगैरह जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें ऐसा होता है। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेट, जिनमें ऐसा होता है, और हार्ड फेरोमैग्नेट। एल निको An alloy of iron, aluminium, nickel, cobalt, and copper is one such material. The naturally occurring lodestone is another such example. Such materials forms permanent magnets, और उनको अपन यूज कर सकते हैं permanent magnet की चीजों में, जैसे compass की needle बनाने में यूज कर सकते हैं, जो compass अपन को दिशा बताता है, वो जिसकी कई बार बात कर चुके हैं अपन, वो बनाने में। On the other hand, there is a class of ferromagnetic material in which the magnetization disappears on removal of external field. जैसे सॉफ्ट आयरन में होता है, तो ऐसे मटेरियल को अप्रोप्रिएटली अपन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, है ना। चलिए आगे, देर आर अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर फेरोमैग्नेटिक, फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एक्सेट्रा, और सबकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो म्यू नॉट होता है ना, म्यू उनका 1000 से भी बड़ा आता है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर जो होता है वो 1000 से भी बड़ा आता है। द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब पेरा में देखा था टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यहां पर भी करती है। एट हाई इनफ टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट विद टेम्परेचर। दिस डिसअपीयरेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद टेम्परेचर इज ग्रेजुअल, ये धीरे धीरे होता है।
इट इज अ फेस ट्रांजिशन रिमाइंडिंग अस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड क्रिस्टल. अब ये लाइन बहुत काम की बच्चों. द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट विद टेम्परेचर. दिस डिसअपीयरेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद टेम्परेचर इज ग्रेजुअल. इट इज अ फेज ट्रांजिशन रिमाइंडिंग अस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड क्रिस्टल. तो जैसे सॉलिड को धीरे धीरे हीट दो तो धीरे धीरे पहले सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर रहता है, धीरे धीरे पिघलता है वो, होता है कुछ वैसे ही यहां पर भी होता है. यहां पर भी पैरा डाया का सॉरी फेरोमैग्नेटिक का पैरा मैग्नेटिक में बनना धीरे धीरे होता है, फेज ट्रांजिशन जैसी चीज होती है यहां पर. द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फॉर फेरोमैग्नेटिक टू पैरा मैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर. Temperature 5.4 lists the Curie temperature of certain materials. The susceptibility above the Curie temperature in the paramagnetic phase is described by. तो ये equation याद रखना है किसके लिए है. ये उन्होंने कहा है साफ साफ ये Curie temperature के ऊपर है. The susceptibility above Curie temperature. Curie temperature से बड़े temperature पर ये applicable है. जब material paramagnetic हो चुका है ना तब की equation ही है. जब material paramagnetic हो चुका है तब की equation है. इसको ध्यान रखना. फिर अपने पास कुछ एग्जाम्पल वगैरह है फिर तो बस. और एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व आता है अपने पास, इस पर आ जाते हैं अपन. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व आने वाला है अपने पास. द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच. बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एच क्या था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ये दोनों में जो रिलेशन होता है ना वो अपन ने क्या लिख दिया था, देखो वहां पे B इक्वल टू म्यू एच ऐसा लिखा था मैंने. पर ये इतना आसान रिलेशन भी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स होता है काफी. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है. इट इज ऑफ्टन नॉन लीनियर एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल. ठीक है. फिगर डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मटेरियल एज वी टेक इट थ्रू वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो क्या हो रहा है फिगर में एक बार बता देता हूं मैं आपको. देखो ये उन्होंने फिगर बनाया है एक. इस फिगर में क्या दिखाया है उन्होंने, तो ये जो अपना एक्स एक्सिस है इस पर दिखाया उन्होंने एच और वाई एक्सिस पर दिखाया बी. तो हम तो बोल रहे थे ना बी इक्वल टू म्यू एच, तो म्यू एक्सएल में कॉन्स्टेंट नहीं होता है फेरोमैग्नेटिक के लिए. वो म्यू तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, अच्छा वो पुरानी फील्ड पर भी डिपेंडेंट है ना, तो वो म्यू कोई कांस्टेंट जैसी चीज नहीं आती. तो कैसा रिलेशन है इनका वो ये ग्राफ बता रहा है. तो ये ग्राफ अच्छे से समझना है आपको. चलो अभी ग्राफ देखो. शुरू में हमने एच पे जीरो कर दिया एच को और मटेरियल के अंदर बी भी जीरो है. उस पॉइंट से स्टार्ट करा है. उस पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो जैसे से एच बढ़ाते वैसे से बी बढ़ता है. ये अगर ग्राफ में मैं बढ़ाऊ इसको आगे तो जैसे से एच बढ़ता है वैसे से बी बढ़ता है. बी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है ऊपर जा रहे हैं हम. बी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है. ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा है. देखो कर्व एक नियरली अगर बहुत कम एच का वैल्यू है तो एक लीनियर जैसा मान सकते हो. आफ्टरवर्ड ये ऐसा कुछ कर्व बनता है. एच जैसे जैसे बढ़ाते हैं बी बढ़ता है बढ़ता बढ़ता है. उसके बाद फिर है ना कॉन्स्टेंट जैसा हो जाता है बी. तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी बढ़ते 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 फिर एच बढ़ाने से और नहीं बढ़ती है. मटेरियल के अंदर जो फील्ड होती थी याद करो उसको मैंने म्यू टाइम एच लिखा है. ये एच क्या था? एनआई. तो सोलेनोइड के अंदर करंट जो है वो बढ़ा दो तो एनआई बढ़ जाएगा. तो करंट बढ़ा रहे सोलेनोइड का और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदल रही वो देख रहे. तो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो बढ़ रही है फिर एक लिमिट पे जाके बढ़ना बंद होगी. समझ में आ रहा है? ये मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी फेरोमैग्नेटिक के अंदर वो बढ़ना बंद हो गई. ये फेरोमैग्नेटिक के अंदर की फील्ड की बात चल रही है अपनी. अब क्या होता है? अब तुम्हें ना इसके बाद जाके अगर तुम एच को कम करने लगो, मान लो एच बढ़ाते बढ़ाते कम करो तो बी कम होता है पर उसका कम होने का लाइन ये आती है. ये डॉटेड लाइन जो बने वो इस लाइन के हिसाब से कम होती है. ऐसे ऐसे कम होती है. जब तुम एच जीरो कर देते हो तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है. ये पॉइंट बी जो दिखाया यहां पे ये तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर बच जाती है. देयर इज अ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. उसे तुम्हें खत्म करना है तो तुम्हें एच को नेगेटिव करना पड़ेगा. जब एच नेगेटिव कर देते हैं तो एच की एक नेगेटिव वैल्यू पे जाके ये सी पॉइंट पे जो वैल्यू होती है
मटेरियल की बची हुई फील्ड भी खत्म होती है, इस वैल्यू को बोलते हैं कोर्सिविटी। वो नेगेटिव एच की वैल्यू, यहाँ पे एच देखो ओरिजिन के इधर नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव एच है, नेगेटिव एच नीचे देखो वैल्यू भी सब नेगेटिव साइन के साथ लिखी है। तो वो एच की नेगेटिव वैल्यू जिसपे बची हुई मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती है उसे बोलते हैं कोर्सिविटी, और बची हुई मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। और फिर ये ग्राफ उल्टा उसी वैसे चलता है जैसे वहां पॉजिटिव में चल रहा था। तो ये ऐसा कुछ हमको एच को बढ़ाने कम करने से ग्राफ इस तरह से दिखता है। चलिए मैं साइड में आता हूं, वापस देखते क्या लिखा था। द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच इज नॉट सिंपल, इट इज कॉम्प्लेक्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट इज ऑफ्टन नॉन लीनियर एंड डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। फिगर में बताया है ये बिहेवियर, ठीक है। एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करा तो क्या हुआ है बताया। लेट द मटेरियल बी अनमैग्नेटाइज इनिशियली, इनिशियली बी जीरो मान लिया था मटेरियल में तो अनमैग्नेटाइज था। वी प्लेस इट इन अ सोलेनोइड एंड इंक्रीज द करंट थ्रू द सोलेनोइड, धीरे धीरे उसका करंट बढ़ा रहे। तो मटेरियल के अंदर की फील्ड कैसे बढ़ रही है वो अपने ग्राफ बनाया है। द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द मटेरियल राइजेस एंड सैचुरेट्स एज डिपिक्टेड इन द कर्व ओए। तो कर्व में जो शुरू का हिस्सा था ना, मैंने रेड कलर में दिखाया था ओरिजिन से स्टार्ट करके, वो कर्व ओए था, वो बता रहा था कि फील्ड बढ़ते बढ़ते कॉन्स्टेंट जैसी हो रही है। दिस बिहेवियर रिप्रेजेंट द अलाइनमेंट ऑफ एंड मर्जर ऑफ डोमेन अंटिल नो फर्दर एनहांसमेंट इज पॉसिबल। तो मटेरियल पूरा मैग्नेटाइज होने तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, उसके बाद क्यों बढ़ेगी। इट इज पॉइंटलेस टू इंक्रीज द करंट इन सोलेनोइड बियॉन्ड दिस, नेक्स्ट वी डिक्रीज एच एंड रिड्यूस इट टू जीरो। अब डिक्रीज कराना एच को तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है पर बी जीरो नहीं हो जाती, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गई थी जिसको मैंने बोला था रिटेंटिविटी। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए बी, द वैल्यू ऑफ बी एट एच इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेमिनेंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। जो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेमिनेंस। ये इधर कर्व में दिखाओ आपको, तो ये देखो यहां पर फिर से देख लो एक बार। ये पहले अपन ने ओ से एच को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी 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 और जाके कांस्टेंट जैसी हो गई ए पॉइंट तक जाके। उसके बाद तुम एच को कम कर रहे हो ना, पहले एच को बढ़ाया फिर एच को कम कर रहे हो, कैसे, सोलेनोइड का करंट कम करके। तो उससे मटेरियल के अंदर की फील्ड कम होती है, कम होती है, कम होती है, पर एच जब जीरो हो जाता है तो फील्ड जीरो नहीं होती। तो आप एच को कम कर रहे हो, फील्ड कम होते होते बी पर आके रुक गई, तो एच जीरो पे फील्ड जीरो नहीं होती। कुछ मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है जिसे बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेमिनेंस। इज इट क्लियर व्हाट इज रिटेंटिविटी। चलो आई होप कि सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ इन फिगर 5.14 BR, वो रिटेंटिविटी वाले फील्ड को 1.2 डिस्प्ले आ रही थी वहां पे, वेयर द सबस्क्रिप्ट R डिनोट्स द रिटेंटिविटी। द डोमेन आर नॉट कंप्लीटली रेंडमाइज्ड इवन दो द एक्सटर्नल ड्राइविंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड, मतलब एक्सटर्नल फील्ड हटा दी तब भी डोमेन खत्म नहीं हुए वहां पे, एक्सटर्नल फील्ड हटाने पर अंदर की फील्ड जीरो नहीं हुई। नेक्स्ट द करंट इन सोलेनोइड इज रिवर्स इन डायरेक्शन एंड स्लोली उल्टी डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन बढ़ाने लग गया। Certain domains are flipped until the net magnetic field inside stands nullified. This is represented by the curve B to C and the value at C is called coercivity. तो जो बची हुई फील्ड है उसे जीरो करने के लिए जितना एच लगाना पड़ता है उसे बोलते हैं कोर्सिविटी। ये करें -90 आ रही थी डायग्राम में। As the reverse current is increased in magnitude further, we once again obtain the saturation. उल्टी डायरेक्शन में सेचुरेशन हो जाता है अब, ठीक है। अगर आप डायग्राम देखो, उधर जो डायग्राम था तो जैसा पहले एच को बढ़ाने पर पॉजिटिव एच पे सेचुरेशन की तरफ गए थे अपन, यहाँ पे ये सेचुरेशन की तरफ गए थे। अब ये बी को एच को कम करा तो बी बच गया, बी को जीरो करा उसके बाद एच को और बढ़ाया नेगेटिव डायरेक्शन में तो और बी बढ़ा और ये नेगेटिव डायरेक्शन में सेचुरेशन आ गया। और ये भी उसी वैल्यू पर आता है जितना पॉजिटिव पर आता है, यहाँ और यहाँ की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद फिर एच को फिर वही कम करो तो वही कहानी रिपीट हो जाएगी पूरी, यहाँ फिर से रिटेंटिविटी, उसको खत्म करने के लिए फिर से यहाँ कोर्सिविटी, वही पूरी कहानी चलेगी। तो बार बार मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करो तो ऐसे कर्व के अलोंग वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है। आ रहा है कर्व समझ में?
बोलिए। यस, खुशी को तो आ रहा है, गुड, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। द सैचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड वापस से मिल जाती है, द करंट इज रिड्यूस्ड, तो वापस से वही सी होगी, तो साइकिल फिर से रिपीट करता है। तो नोट दैट द कर्व ओए डज नॉट रिट्रेस इटसेल्फ, वो शुरू में जो कर्व था वैसा वापस कभी नहीं आता ना, शुरू में जहां से स्टार्ट करते थे ना वैसा कर्व फिर कभी नहीं आता, ठीक है। एंड एक और चीज यहां पे लिखिए, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स बी इज नॉट यूनिक बट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल, एक पर्टिकुलर एक्स पर ए की पर्टिकुलर बी की वैल्यू नहीं है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस, मतलब ये जो हो रहा है ना कि मटेरियल का जो कर्व है बी का वो पुराने एच पे डिपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। द वर्ड हिस्टेरेसिस मीन्स लैगिंग बिहाइंड, ठीक है, एंड इट इज नॉट हिस्ट्री, इट इज लैगिंग बिहाइंड। चलिए तो ये इतनी चीजें हमको हिस्टेरेसिस के बारे में पढ़ना थी। अब ये थोड़ा इसमें आगे कुछ और लिखिए, परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, ये पूरा थ्योरी ये आप पढ़ोगे, इसके बाद देखो चैप्टर खत्म है, ठीक है, इसके बाद फिर समरी उमरी चालू हो गई, चैप्टर फिनिश। तो ये इतना थ्योरी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको पढ़ना ही है, पूरा थ्योरी है इसमें, कुछ आप पढ़ सकते हो, इसलिए आपको आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। चलिए तो आज ही अपन ने इतनी चीजें कंप्लीट करी है। हाँ, तो ये इतनी ही चीजें हमको करना थी, देखो बच्चों इस चैप्टर के अंदर, तो अर्थ मैग्नेटिज्म और इलास्ट का मैग्नेटिक मटेरियल है ना, पूरा थ्योरी बच्चों, इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा नहीं तो भूल जाओगे। तो आप लोगों को मैं अब अर्ज करूंगा कि एक बार एनसीईआरटी फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए उसको, कोई भी लाइन में अगर दिक्कत आती है आपको तो आप पूछ सकते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप से आपने आप डाउट क्लास जो भी अपनी अपनी क्लास के बीच में पूछ सकते हो, तो नेक्स्ट क्लास में सब पढ़कर आना, जो भी दिक्कत हो इसकी पूछना, वो पूरा थ्योरी है, इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, जैसे क्यूरीज लॉ क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर किसे बोलते हैं, ऐसी सब चीजें आती है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो आप पढ़कर आइएगा, क्वेश्चन इजीली बनेंगे आपसे। ओके, तो ये अपना चैप्टर खत्म, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत काम की चीज है बच्चों, बहुत काम का चैप्टर है, इसमें खूब क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का है, और हमारा जो आगे अगर हम इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ चीजें हमको समझ में आए उसके लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से समझना है, आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो मॉडर्न फिजिक्स खुद से एक बार, है ना, और मैं मॉडर्न फिजिक्स में स्टार्ट करूंगा बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो लाइट से रिलेटेड होता है इसलिए, उसके बाद फिर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कराऊंगा और ये मेरा ऑर्डर रहने वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक, एटॉमिक, फिर एक्सरे, और इस तरह से अपन आगे में न्यूक्लियर पढ़ेंगे, है ना, ये अपना ऑर्डर देगा। तो आप लोग भी इसे ऑर्डर में थोड़ा अगर पढ़ना चाहो तो पहले से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये अपना ये टॉपिक फिनिश, अब एक काम करते हैं, इसका